हरिओम। हम अपनी फिजिकल हेल्थ पर बहुत ध्यान देते हैं, कुछ लोग तो बहुत ध्यान देते हैं भैया, जिम जाना है, वॉक करनी है, योगा करना है, खाने पर ही ध्यान देना है, डाइट बिल्कुल परफेक्ट लेनी है और सब कुछ एकदम परफेक्ट करना है जिससे हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी हो। हमें फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। यदि शरीर आपने स्वस्थ कर भी लिया और मन ही बिखरा हुआ है तो स्वस्थ शरीर ज्यादा दिन ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि बिखरा मन अपने इस सधे हुए शरीर को बिखेर देगा, क्योंकि शरीर का जो मालिक है वो मन है। यदि मन सधा है तो बिखरा शरीर सधने लगेगा, लेकिन यदि मन बिखरा है तो सधा शरीर भी बिखरने लगेगा। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान। आज हम देखते हैं बच्चे से लेकर वृद्ध तक सब मन के स्तर पर बीमार है। कोई कह दे भैया आप मानसिक रूप से बीमार हो तो वो दिन चिढ़ पड़ेगा, लेकिन ऐसा कम व्यक्ति मिलेगा जो मानसिक रूप से बीमार नहीं है, उसकी प्रतिशत कम ज्यादा होगी, क्योंकि हम अपने मन को ध्यान ही नहीं देते। तन को फिर भी किसी ना किसी रूप से ध्यान दे लेते हैं, उसको सजा लेते हैं, मन को कहां सजाते हैं? इस तन को हम नीला धुला देते हैं, मन को कहां हम नीलाते धुलाते हैं? इस तन को अच्छी तरह से साज सज्जा करके, खिला पिलाकर, व्यायाम करके सुडोल कर लेते हैं, लेकिन अपने मन को हम नहीं कर पाते। योग, अध्यात्म, प्रार्थना एक ऐसी अनूठी अभ्यास है जिसके माध्यम से हम अपने मन को सुंदर बनाते हैं, मन को स्वस्थ करते हैं, मन को संतुलित करते हैं, अपनी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं। और आज का समय यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो समस्या है वो मानसिक समस्या है, मानसिक असंतुलन की समस्या है। चाहे वो उम्र का पड़ाव कोई भी, तो अपने मन को ध्यान दो। मन को ध्यान देने के लिए अपना प्राणायाम किया करो, कुछ देर अपने साथ बैठा करो, अपनी आती जाती सांसों को देखा करो, जो घट गया है उसको स्वीकार करना शुरू करो, जो हो रहा है उसको शुक्राना करना शुरू करो, धन्यवाद करना शुरू करो, मुस्कुराओ, गुनगुनाओ, खिलखिलाकर हंसो, अच्छा भोजन करो, अच्छी बातें करो, आपकी बातचीत बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो, बहुत ही अच्छी बातचीत का स्तर हमारा होना चाहिए। आप पाएंगे ऐसा करने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा। हरिओम।